हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये सॉलिड के इंटरसेक्ट एंड कंबाइन कमांड के बारे में होने वाला है। सो इंटरसेक्ट तो हमें यहाँ पे मिल जाता है, बट वेयर इज कंबाइन कमांड। सो उसके लिए हमें फीचर्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें मिलेगा कंबाइन कमांड। सो हम सबसे पहले इंटरसेक्ट देखेंगे। इंटरसेक्ट में भी हम पहला ऑप्शन देखेंगे बॉडी और एक प्लेन के बीच में। तो सो वो बॉडी सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद में प्लेन ले रहे हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रहे। तो देखिए यहाँ पे दो बॉडीज आ गई है, जो आपको चाहिए उसको आप रख सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसा ओके कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो बॉडी है वो डिलीट हो गया है। सिमिलरली अगर आपको दो प्लेन्स के अलॉन्ग चाहिए, दो प्लेन के अलॉन्ग इंटरसेक्शन चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हो। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन इंटरसेक्ट पर क्लिक कर देना है, तो जो भी इंटरसेक्शन रहेगा वो आ जाता है। जैसा सपोज अब इसमें ये वाला जो रीजन है ये नहीं चाहिए हमें, तो हमने उसे इंटरसेक्ट में रिमूव कर दिया, देन ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हो ये ऐसा रीजन हमको बन के मिल गया। इसके अलावा हम सरफेस से भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सरफेस भी इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर एक सरफेस बना लेते हैं अभी हम आर्क के हेल्प से। ओके, ये आर्क बना लेंगे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे इसे, फिर सरफेस में जाएंगे, यहाँ से एक्सक्लूड कर लेंगे, देन इसका जो डायरेक्शन है इसको रिवर्स कर लेंगे। ओके, अब ये सरफेस से कट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, फीचर्स में जाना है, इंटरसेक्ट में जाना है, देन ये सॉलिड बॉडी और सरफेस बॉडी ये सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे रीजन्स आ गए। सपोज ये रीजन नहीं चाहिए हमको, ये ले लेंगे हम और ओके कर लेंगे इसको, तो हमें ये जो इंटरसेक्टिंग सरफेस है ये यहाँ पर मिल जाएगा। सो इस तरह से भी आप इंटरसेक्ट का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बॉडी बॉडी इंट्रैक्शन भी रहता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कंबाइन कमांड। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे नया स्केच बना ले रहे। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्केच बना लिया है और उसे पैरामीटर दे रहे हम 200 by 200 by 200, मतलब एक स्क्वायर बना लिया है, स्क्वायर क्यूब हमने। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, एक और बॉडी बनाएंगे यहाँ पे। तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल एड प्रेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक रिवॉल्व बॉडी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बना लूँगा सेंटर से। ओके, ऐसा कुछ सर्कल चाहिए और सेंटर लाइन बना लेंगे यहाँ से हम। ओके, हाफ सर्कल जो है उसको कर लेंगे हम ट्रिम और हाफ को पैरामीटर दे देंगे। ओके, एग्जिट, और इसको कर लेंगे हम रिवॉल्व। और रिवॉल्व करने के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मर्ज रिजल्ट वाला हमारा ऑप्शन जो रहता है उसको हम अनचेक कर देंगे, क्योंकि हमको दो डिफरेंट सॉलिड बॉडीज चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे दो सॉलिड बॉडीज आ गई है, ये एक है और ये दूसरी बॉडी है। सो ये होने के बाद में क्या करेंगे, हम जाएंगे अभी इंसर्ट में, यहाँ पे जाएंगे फीचर्स में और यहाँ पे जाएंगे कंबाइन में। कंबाइन में देखो तीन ऑप्शन रहते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और कॉमन। तो जैसा यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेन बॉडी जो है हमारा ये आउटर बॉडी है और ये हमारा रिमूव करना है हमको बॉडी, और इसको ओके कर लेंगे, राइट क्लिक करके हम ओके कर सकते हैं। सो एक ये कंबाइन हो जाता है हमारा, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉडी टू बॉडी रिमूव कर दिया। इसके अलावा ऐड कर सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन देखिए कैसा होता है, अभी कॉमन में देखिए दोनों बॉडीज देना पड़ेगा हमको, शो प्रीव्यू पे करके हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक प्रीव्यू उसका जनरेट होगा। एंड ऐड में क्या होगा, दोनों बॉडीज ऐड हो जाएंगी, एक सिंगल सॉलिड बन जाएगा। सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं हमारे इंटरसेप्ट एंड कंबाइन कमांड में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।